वेलकम टू अमृताज किचन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। आज हम बनाएंगे मैंगो फिरनी, जो कि बहुत ही यमी और टेस्टी होती है। और मैंगो के सीजन में तो मैंगो फिरनी बनानी ही चाहिए और खानी ही चाहिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ लिया है 1 लीटर फुल फैट क्रीम मिल्क। उसके बाद मैंने यहाँ लिया है 1 फ्रेश पका हुआ आम, जो कि बहुत मीठा आम है। 1 कटोरी चीनी ली है, आप आपके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ 4 टीस्पून चावल लिए हैं, इसे मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। ये रेगुलर राइस मैंने यहाँ लिए हैं। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम और इलायची पाउडर लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो चावल है, इनका हम पेस्ट बना लेते हैं और मैंगो की भी प्यूरी बनाते हैं। तो सबसे पहले चावल में मिक्सर जार में डाल दूंगी। हमें चावल का फाइन पेस्ट बना लेना है। अब ये सारे चावल मैंने मिक्सर जार में डाल दिए हैं, इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। अब हम इस मैंगो को कट कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इसके छिलके निकाल लेते हैं और इसके पीसेस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ मैंगो के पीसेस कर लिए हैं। अब ये सारे पीसेस हम डाल देंगे मिक्सर जार में और इसका फाइन पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए मैंगो का फाइन पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई ले लेते हैं और इसमें डाल देंगे 1 लीटर फुल फैट क्रीम मिल्क। इसे हमें बॉईल कर लेना है। आप देख सकते हैं अच्छे से बॉईल हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे चावल का पेस्ट जो हमने बना के रखा था। सारा पेस्ट इसमें डाल देते हैं और इसे अब हमें चलाते हुए पका लेना है अच्छी तरीके से, जब तक हमारा दूध गाढ़ा ना हो जाए और जो चावल है वो अच्छे से पक ना जाए। इसे हमें इसी तरीके से हिलाते हुए पका लेना है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप चीनी। आप आपके अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम चीनी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इसे घुलने देते हैं। इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, जो भी आपको पसंद है। और फिर इसे मिलाते हुए हमें अच्छे से गाढ़ा होते तक पका लेना है। जब तक हमारा दूध पक रहा है, हम जो मैंगो प्यूरी तैयार की थी इसे एक पैन में ले लेते हैं और इसे लो फ्लेम पे हमें अच्छे से पकाना है। इस तरीके से चलाते हुए पका लेना है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से पक चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे ठंडा कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा दूध भी अच्छे से पक चुका है, पर और 5 मिनट हमें इसे पका के गाढ़ा कर लेना है। आप देख सकते हैं 5 मिनट बाद दूध अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, इसमें जो चावल है वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो चुके हैं। अब हमारा दूध बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। आप देख सकते हैं अच्छे से ठंडा हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छे से गाढ़ा भी हो चुका है। तो ये तैयार है हमारी फिरनी। तो मैं एक बाउल में फिरनी निकाल लेती हूँ। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी लग रही है। तो ये हमारी बिल्कुल सादी फिरनी है। इसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी, आपको जो पसंद है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी बिल्कुल सिंपल फिरनी तैयार है फ्रेंड्स। ये बहुत ही यमी लगती है। तो ये हमारी फिरनी तैयार हो चुकी है। अब हम जो बाकी की फिरनी बची है इसके अंदर डाल देंगे मैंगो प्यूरी जो कि हमने बनाई थी। तो मैं सारी मैंगो प्यूरी इसमें डाल देती हूँ। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से चलाते हुए मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी मैंगो फिरनी तैयार हो चुकी है। कितना अच्छा इसमें कलर आ चुका है। ये देखिए आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत ही अच्छी आई है। तो चलिए सर्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर हम डाल देंगे मैंगो फिरनी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत ही अच्छी आई है। तो हम इसमें मैंगो फिरनी सर्व कर देते हैं। और अब जो मैंने मैंगो प्यूरी बनाई थी उसे मैंने एक कोन में भर लिया था और इससे मैं इसे डेकोरेट कर देती हूँ इस तरीके से। तो ये और भी अच्छी लगती है। तो इस तरीके से मैं इसे डेकोरेट कर देती हूँ। जस्ट इससे टूथपिक से इस पर शेप बना लूँगी फ्लावर का। आप जैसे चाहे वैसे इसे डेकोरेट कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। तो मैं इसे इस तरीके से डेकोरेट कर रही हूँ। ये ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स।
तो आप देख सकते हैं मैंने इसे डेकोरेट कर दिया है। मैंगो फिरनी बहुत ही अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी सादी फिरनी और मैंगो फिरनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही टेस्टी और यमी लगती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है और कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमारी मैंगो फिरनी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना और फ्रेंड्स आप ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही यमी और टेस्टी होती है। और जो न्यू व्यूवर्स है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं बहुत ही इजी यमी और टेस्टी रेसिपी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।